नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं चुनावी दांव पेच के बीच सांसद चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार के बहुचर्चित परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में चिराग की पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हुलास पांडे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष पार्षद हुलास पांडे को सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बिहार के बहुचर्चित परमेश्वर मुखिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाया गया है। चुनावी मौसम में हुलास पांडे की वजह से चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई हैं, तो वहीं जमुई सांसद चिराग पासवान की पार्टी का जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। भोजपुर में परमेश्वर मुखिया को उनके आवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार के बहुचर्चित परमेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट आरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर की है। सेशन जज 3 के कोर्ट में दायर चार्जशीट में पूर्व एमएलसी हुलास पांडे समेत 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इनमें अभय पांडे, नंद गोपाल पांडे उर्फ फौजी, रितेश कुमार उर्फ मोनू, अमितेश कुमार पांडे उर्फ गुड्डू पांडे, प्रिंस पांडे, बालेश्वर पांडे और मनोज राय उर्फ मनोज पांडे का नाम शामिल है। सीबीआई के स्तर से दायर इस चार्जशीट में कहा गया है कि हुलास पांडे ने 7 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर परमेश्वर नाथ सिंह उर्फ परमेश्वर मुखिया की हत्या का षड्यंत्र रचा था। बता दें कि हुलास पांडे अभी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। साजिश के तहत ही पहले सभी आरोपी आरा के कतीरा मोड़ पर 1 जून 2012 की अहले सुबह 4 बजे एकत्र हुए थे, जब परमेश्वर मुखिया अपने रोजाना की दिनचर्या के तहत सुबह टहलने के लिए निकले और अपने आवास की गली के पास पहुंचे, तभी नजदीक से 6 गोलियां मारकर हुलास पांडे समेत अन्य लोगों ने उनकी हत्या कर दी। सभी गोलियां देसी पिस्तौल से चलाई गई थी। सीबीआई ने इस मामले की पूरी गहनता से जांच करने के बाद यह अनुपूरक चार्जशीट दायर की है। इसमें इन 8 आरोपियों को मुख्य रूप से अभियुक्त बनाया गया है। रणवीर सेना के प्रमुख 70 वर्षीय परमेश्वर मुखिया की हत्या के तकरीबन 1 साल बाद 12 जुलाई 2013 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। उनकी हत्या से संबंधित एफआईआर आरा के नवादा थाने में दर्ज की गई थी, जिसकी एफआईआर संख्या 139/2012 है। इसमें हत्या, आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य संगीन आपराधिक धाराएं लगाते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई की 10 वर्ष की लंबी मशक्कत और गहन जांच के बाद मुख्य आरोपितों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सुराग देने वालों को 10 लाख इनाम के पोस्टर चस्पाए थे। इस मामले की जांच में शुरुआती 8 से 9 वर्ष तक सीबीआई के हाथ एकदम खाली रहे। बाद में इस मामले को लेकर जनवरी 2021 में सीबीआई ने पोस्टर जारी किया। आरा सदर अस्पताल के मुख्य गेट के अलावा शहर में दूसरे कई स्थानों पर इसे चस्पा भी किया गया। इसमें इस हत्याकांड को सुलझाने में मदद करने वाले अहम सुराग देने वालों को 10 लाख रुपए इनाम देने की बात कही गई थी। इस तरह के पोस्टर सीबीआई के स्तर से 2 बार चिपकाए गए। इसके बाद मामले की तफ्तीश के दौरान कुछ अहम सुराग जांच एजेंसी के हाथ लगे, जिसके आधार पर मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी। अब सीबीआई ने 8 लोगों को आरोपी ठहराते हुए अनुपूरक चार्जशीट दायर की है। इससे पहले दायर चार्जशीट में भी कुछ लोग आरोपित बनाए गए थे। देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।